प्यारे साथियों, नमस्कार। हम सब ऐसे समाज में रहते हैं जिसे सभ्य कहते हुए मुझे शर्म आती है। कहीं भ्रूण हत्या, कहीं दहेज के लिए हत्या, कहीं बलात्कार के बाद हत्या, अपहरण करके हत्या, मासूमों की दुष्कर्म के बाद हत्या जैसी दरिंदगी भरी खौफनाक खबरें सुर्खियां बनी रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुकर्म में शामिल दरिंदों को भयानक मौत की सजा दे देनी चाहिए ताकि वे ऐसा करने से डरें। मासूम बच्चे माँ बाप में से किसी एक के ना होने पर क्रूरता का शिकार हो जाते हैं। माँ मर गई तो सौतेली माँ मारती है, बाप मर गया तो सौतेला बाप मारता है। इसी तरह की दुर्गति पति के मौत के बाद विधवा औरतों की होती है। वे भी समाज के कुछ ठेकेदारों की ठोकरें खाती हैं। इस तरह के हालात हिंदू धर्म में निहायत ही खतरनाक है। जिन्हें मेरी बात बुरी लगे ना, वह अपने गांव में मोहल्लों में देखें कि 21वीं सदी के और 22वीं सदी के प्रगति के पथ पर चलने वाले इस भारत की स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी पीड़ित के बारे में अपने समाज और सरकार को सोचना होगा। इसके बेहतर सम्मानजनक जीवन के लिए अच्छी योजना बनानी पड़ेगी और ईमानदारी से उसे लागू भी करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार को विधवा आश्रम व बाल आश्रम खोलने चाहिए, जहां विधवा पुनः विवाह करके मासूम बच्चे जवान होकर सम्मानपूर्वक रह सके। अगर हमें कभी भी सरकार में कुछ करने का या कहने का मौका मिले तो इस मशाल को और इस लक्ष्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए।